नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से पहले अयोध्या को सजाने संवारने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। अगले 70 दिन में राम मंदिर उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएगा। श्री राम मंदिर निर्माण समिति ने मंदिर और मंदिर से जुड़े सभी कार्यों की जो समय सीमा है वो भी निर्धारित कर दी है। मंदिर निर्माण में मजदूर दिन रात राम मंदिर को आकार देने में जुटे हैं। ऐसे में प्राइम टीवी ने राम दरबार के निर्माण कार्य की जमीनी हकीकत को जांचा और बहुत ही करीब से देखा है, ये रिपोर्ट देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जिस दिन का करोड़ों देशवासियों को इंतजार था वो दिन बेहद नजदीक आ रहा है, जिसकी तैयारियों का अंदाज अयोध्या के अगान में निर्माणधीन भव्य राम को देखकर लगाई जा सकती है। जैसा कि हमारे पीछे देख सकते हैं, प्रभु श्री राम जी का जो भव्य मंदिर है वो बन के तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को यहाँ पे प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होना है। और हम अगर कहेंगे, हमारे कैमरामैन से लगातार आप दिखाते रहे, यहाँ पे प्रभु श्री राम जी का जो भव्यता है वो देखने लायक है। यहाँ पे जिस हिसाब से भव्य मंदिर हम कैमरे के माध्यम से बोलेंगे दिखाएं हमारे दर्शकों को, जिस हिसाब से प्रभु श्री राम जी का मंदिर भव्य बन रहा है वो सिर्फ हम आपको बयान नहीं कर सकते किस तरीके से यहाँ पे भव्यता दिख रही है हमें। इसके आगे हमें लगता है पूरे हिंदुस्तान का कुछ भी हो सब फीका पड़ जाएगा। प्रभु श्री राम जी का मंदिर जो है इतना भव्य बन रहा है अयोध्या में। और यहाँ पे जो कार्य है, हम कुछ लोग भी बैठे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। तो प्रभु श्री राम जी के उसमें कार्य करके उनको कैसा लग रहा है? भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुछ नहीं है। अच्छा, मंदिर में काम करके कैसा लग रहा है आप लोगों को? उनको फोटो हमारे, जैसा कि कुछ लोग हैं अब बोल नहीं पा रहे हैं इसके कारण, हम और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? नवीन अहमद। प्रभु श्री राम जी का मंदिर में कार्य करके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और जो क्या नाम है आपका भाई साहब? अच्छा, अभी कुछ काम कर रहे हैं, काम में बिजी हैं क्योंकि 22 जनवरी सर पे है और लगातार इनको प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर तैयार करके जो है वो देना है। 22 जनवरी को प्रेशर बहुत है यहाँ पे, जो कर्मचारी हैं वो रातों दिन काम करके प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर तैयार कर रहे हैं। अयोध्या रामलला के निर्माणाधीन दिव्य मंदिर का निर्माण आधुनिक तकनीक के साथ भारतीय संस्कृत और मूर्ति कला का बेजोड़ नमूना देखने को मिल रहा है। राम मंदिर के हर भाग के निर्माण का एक निश्चित उद्देश्य है तो उसमें अलग संदेश भी छिपे हुए हैं। इसी के चलते श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने देश की लगभग हर क्षेत्र के विशेषज्ञों और महारथी को निर्माण की कमान सौंपी है। राम के दरबार में निर्माणधीन मंडपों, भित्ति चित्रों के निर्माण का अपना अलग विज्ञान है। छत के गुम्बदों के आकार में अलंकरण का विशेष ख्याल रखा गया है। प्राइम टीवी एक बार फिर से पहुंचा प्रभु श्री राम जी की जन्मस्थली पर, जहां पे प्रभु श्री राम जी का मंदिर हमारे पीछे देख सकते हैं कि लगातार यहां पे मंदिर की जो कार्य है वो पूरे किए जा रहे हैं। लगातार यहां पे मंदिर का जो कार्य है वो चल रहा है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है यहां पे, तो उस लिहाज से देखेंगे जो कार्य है वो बहुत प्रगति से कर रहे हैं। बहुत जल्द ही प्रभु श्री राम जी का मंदिर जो है वो भव्य बनाकर तैयार कर देंगे और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे प्रभु श्री राम जी का मंदिर जो है वो बन रहा है। यहाँ पे कुछ काम करने वाले हैं और हम उनसे बात करेंगे कि प्रभु श्री राम जी का मंदिर जो है वो, उसके बारे में जरा बताइए हमारे दर्शकों को। राम मंदिर देखिए आपकी सबकी आस्था है और यह हम सब की आस्था है उसके लिए है और ये इतने 500 वर्ष के बाद में ये बन रहा है। अगर हम मंदिर के कार्य की बात करें तो कितने कहाँ तक पहुँचा है कार्य? मंदिर कार्य हमारे सब बताएंगे, रुकिए एक मिनट। जैसा कि इनका कहना है कि मंदिर का कार्य जो है वो काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है और कुछ सुरक्षाकर्मी भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि जैसा ये इनका कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से ये कुछ बोल नहीं सकते हैं चैनल पे, तो हमारे साथ में आप जुड़े रहिए, मैं लगातार आपको लाइव दिखाता रहूंगा। राम मंदिर की एक एक छोटी सी अपडेट जो भी है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि प्रभु श्री राम जी का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने के लिए यहाँ पे सूबे के मुख्यमंत्री जो है वो भी आएंगे, जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी वो भी आने वाले हैं यहाँ पे। जो यहाँ पे कार्य चल रहा है उसको हम एक एक डिटेल आपको दिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए प्राइम टीवी। अयोध्या से मैं शक्ति ठाकुर। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार है।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल 22 जनवरी को होनी है। इससे पहले दिवाली के अवसर पर दीपोत्सव के लिए रामनगरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई थी, जहां दीपोत्सव में 21 लाख से ज्यादा दीप केवल राम की पैड़ी पर जलाए गए। ये एक विश्व रिकॉर्ड बना है। वही राम मंदिर निर्माण का कार्य अब अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। राम मंदिर का अब तक 60% काम पूरा हो चुका है, जबकि भूतल का 90% काम पूरा हो चुका है। गर्भगृह के बाद राम मंदिर का सिंह द्वार भी बनकर तैयार हो गया है। नमस्कार, मैं शक्ति ठाकुर, प्राइम टीवी। एक बार फिर से पहुंच चुका है प्रभु श्री राम जी के गर्भगृह के अंदर में। हमारे पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं, गर्भगृह की तस्वीर जो है, प्रभु श्री राम जी का मंदिर जो भव्य है, भव्यता हम पूछेंगे, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। प्रभु श्री राम जी का मंदिर किस तरीके से भव्य बन रहा है, आपको कैसा प्रतीत? भगवान प्रभु राम का जो मंदिर है उसकी दिव्यता, उसकी जो है उसकी सुंदरता देखते ही बन रही है। और जिस तरह से यहाँ सारे मजदूर मिस्त्री कर्मचारी जैसे काम कर रहे हैं, बहुत ही अद्भुत तरीके से और लगन के साथ, सुंदरता के साथ। कैसा लग रहा है प्रभु श्याम जी का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, किस तरीके से भव्यता रहेगी? ये हम सबके जीवन में परम सौभाग्य है। 500 वर्षों के सतत संघर्ष के पश्चात हम सब लोगों को ये अवसर देखने को मिला, ये हम सबके जीवन का परम सौभाग्य। जैसा कि आप विवेक जी भाई साहब में मौजूद है, विवेक जी क्या कहना है आपके प्रभु श्याम जी की भव्यता के बारे में? ये भव्यता और दिव्यता जो देखने को मिलेगी हमको, वह हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। ये जीवन के हमारे जो पूर्वज अनेक संघर्षों को करके आए हैं, वह सब देखने को मिलेगा हम सबको। कई कई पीढ़ियां इसमें चली गई, अपनी कई पीढ़ियों को हमने गवाया है इस राम मंदिर के लिए। और यह आंख से आंसू जो निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं, यह एक आत्मा यहाँ विराजमान होगी 22 जनवरी को, जो भारत के प्रधानमंत्री स्थापित करेंगे। इस तरह से भव्य रामलला स्थापित होने वाले हैं। यह जीवन धन्य है, इसलिए कि हमारी कई पीढ़ियाँ इसमें लग गई। अच्छा, जैसा कि और भी कुछ लोग हैं, भाई साहब क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल जी, कैसा लग रहा है आपको प्रभु श्याम जी के मंदिर में आके यहाँ पे दर्शन करना? बड़ा दिव्य अनुभव हो रहा है, बड़ा अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि अभी मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम अपना 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। मुझे पहले देखने का मौका मिला है और बहुत ही सुंदर एवं भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। वर्षों के संघर्ष के बाद यह सौभाग्य का क्षण हम लोगों को प्राप्त हुआ है। यह हम सबके लिए, हिंदू समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए और अब क्या कहूँ पूरे विश्व के लिए बहुत गर्व का विषय है कि इतना भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर हम सब लोग अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। जैसा कि कहना है यहाँ पे लोगों का कि प्रभु श्री राम जी का मंदिर जो है वो बहुत ही भव्य बनने वाला है, ये तो सिर्फ 22 जनवरी को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पे किस तरीके से प्रभु श्री राम जी के मंदिर का भव्यता दिखेगी 22 जनवरी को। खबरों के अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, देखते रहिए प्राइम टीवी अयोध्या। मैं शक्ति ठाकुर। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम मंदिर का भूतल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए, इस पर पूरा जोर है। वही यात्री सुविधाएं विकसित करने को लेकर भी प्रशासन अब सख्त हो गया है। 70 दिन के भीतर राम मंदिर सहित अन्य यात्री सुविधाएं विकसित करने का खाका तैयार किया गया है। राम मंदिर की बात करें तो भूतल लगभग बनकर तैयार है। मंदिर के गर्भगृह व परिक्रमा पथ पर फर्श का काम पूरा हो चुका है। राम मंदिर का सिंह द्वार भी बनकर तैयार है। सिंह द्वार की भव्य तस्वीर भी प्राइम टीवी पर आपको देखने को मिली। साथ ही मंदिर के साथ यात्री सुविधा केंद्र, पार्किंग, श्रीराम जन्मभूमि पथ, ओवरब्रिज आदि सुविधाओं को भी इन 70 दिनों में पूरा करने की तैयारी है। इसके लिए हर 15 दिन पर बैठकें होंगी। मंदिर निर्माण समिति व ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी सामंजस्य बनकर योजनाओं की समीक्षा व मॉनिटरिंग करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राम जन्मभूमि परिसर में स्थान चिन्हित किया जा रहा है। परिसर में पीएम मोदी सहित करीब 7,000 अतिथि भी रहेंगे। तो दशकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जनवरी 2024 वो महीना होगा जब भगवान राम अपने घर पर, या यूं कहे कि अपने स्थल पर विराजमान हो जाएंगे। दशकों से ये विवाद चला आ रहा है, जो विवाद 2019 में खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, हिंदू पक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अब उस फैसले पर लगातार काम किया जा रहा है।
राम मंदिर पर लगातार काम हो रहा है। जो मजदूर है वो दिन रात काम कर रहे हैं, क्योंकि जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद जनवरी 2024 से ये जो राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है ये आम जनता को सौंप दिया जाएगा। तैयारी जोरों शोरों पर है और इसके लिए मजदूर से लेकर के लगातार जो तमाम अधिकारी है वो भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने के लिए केंद्र स्तर से लेकर राज्य स्तर तक की सरकारें लगातार दिशा निर्देश जारी कर रही है। बैठकों का दौर जारी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।